अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि भैंसे रात के टाइम उनकी क्या एक्टिविटी होती है, कैसे वो अपने आप को गर्म रखती हैं और क्या उनका सेटअप होता है गर्म रहने के लिए। अभी मैं आपको एक डिफरेंट टाइप की शेड पे लेके आया, जहाँ पे जो हमारी होल्स्टाइन गायें हैं वो सारी इस शेड में होती हैं। तो अगेन अभी रात का टाइम है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और इनकी शेड में आपको ये चीज़ डिफरेंट लगेगी। ठंड इसलिए है क्योंकि ये कवर्ड नहीं है। ये इसलिए कवर्ड नहीं है कि इनको ठंड में मज़ा आता है, ये इंजॉय करती हैं। तो जैसे कि आप देख रही हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं, अपने जुगाली कर रही हैं। इनका मुँह चल रहा, जो इनका दिन भर में इन्होंने खाया है अभी उसको दोबारा से मुँह मिला के चबा के दूसरे पेट में डालते हैं, तो उसको जुगाली करते हैं। तो अभी ये बिल्कुल ठंड में कंफर्टेबल हैं। और अभी आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल शाम का टाइम है, बाकी सब जानवर हमने कवर्ड रखे हुए हैं लेकिन इनको हम खुला छोड़ते हैं। और ये साथ में ये जो है होल्स्टाइन की हमारे पास स्टाफ्स हैं, इनका भी आप देखिए कि शेड बिल्कुल मज़े में, तो ये बिल्कुल मज़े में है। और ये है कि मुझे बहुत ठंड लगती है लेकिन इनको ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। समर में इनकी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, इनको शावर्स और फैंस वगैरह काफ़ी चाहिए होते हैं, लेकिन अभी पीक विंटर में ये तकरीबन एंड ऑफ दिसंबर है और ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन ये लोग बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। अब मैं ज़्यादा शोर किए बगैर और इनके कोई करीब ही नहीं जाता ताकि डिस्टर्ब ना हो और अपनी जुगाली कंफर्टेबली करें, तो इनको मैं अभी सोने देता हूँ, रेस्ट करने देता हूँ। तो आपसे मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, ताकि उस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आ सकें। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। और वीडियोस पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।